गरुड़ पुराण से जानिए कैसे निकलते हैं शरीर से प्राण और क्या होता है मृत्यु के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हुए डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बताते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जिसे कोई टाल नहीं सकता है। जो मृत्युलोक में आया है उसे एक दिन अपने शरीर को छोड़कर जाना ही है। शरीर में मौजूद ऊर्जा, जिसे आत्मा कहते हैं, वह समाप्त नहीं होती, बस रूपांतरित होती रहती है। यह ऊर्जा जब शरीर से निकलती है तो यह कुहासे के समान होती है। जिस शरीर से यह निकलती है तो मृत्यु के कुछ समय तक आत्मा को अजब गजब अनुभवों से गुजरना पड़ता है। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है तो उसे कुछ समय तक पता ही नहीं होता है कि वह शरीर से अलग हो रहा है, और वह उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। शरीर से निकलकर खड़ी आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता है। इससे आत्मा को बेचैनी होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज बस उस तक ही गूंज कर सीमित रह जाती है। वर्षों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है, आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर देखती है तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन उसका प्रयास विफल होता है। आत्मा कोशिश करती है कि वह फिर से शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा स्वीकार करने लगती है कि अब जाने का वक्त हो गया है। मोह का बंधन कमजोर होने लगता है और वह मृत्यु लोक विदा होने के लिए तैयार होती है। शरीर के मृत हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर दुखी होती है और खुद भी दुख से व्याकुल होकर रोती है, लेकिन उसके वश में कुछ नहीं होता है। वह लाचार होकर सब कुछ देखती है और अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी होती है। यम के दूत आत्मा से कहते हैं कि चलो, अब यहाँ से चलने का समय आ गया है, और कर्मों के अनुसार उसे लेकर यम मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। कुछ ही समय में आत्मा मृत्युलोक की सीमा को पार कर एक ऐसे मार्ग में पहुंच जाती है जहां ना सूर्य की रोशनी होती है ना चांद की चांदनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होता है। यहां आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार कुछ समय तक विश्राम करती है। कुछ आत्माएं जल्दी शरीर धारण कर लेती है तो कुछ लंबे समय तक विश्राम के बाद अपनी इच्छा के अनुसार नया शरीर धारण करती है। आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।